एवरीवन, ये है मीठा चीला यानी कि गुड़ के चीला, सौंफ, गरी और थोड़ा सा इसमें हमने राइस ब्रान ऑयल डाल के बनाया। थोड़ा सा मूंगफली अगर ऊपर से ग्रेट करके डाल दे एक तरफ जब कच्चा रहे, और सौंफ गरी मूंगफली बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हो जाए तो इसको मैं पलट दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी, मीठी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एवरीवन। आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। एक कप हमने आटा ले लिया है और एक कप सूजी, और उसमें हमने डाल दिया 50 ग्राम तक गुड़ यानी कि जैगरी, उसको कूच करके मिलाया है, एक चम्मच सौंफ। और ये देखिए इतनी बेहतरीन जो है पीला बन के तैयार है, गुड़ भी डला है तो बच्चों को फेवरेट होता है, गुड़ कभी नुकसान नहीं करता है, चाहे आप दूध के साथ ले या फिर बच्चों को या तो चाय के साथ, जो बच्चों को पसंद है। दूध वैसे पीते नहीं हैं, और ये गुड़ के मीठा चीला अगर लेंगे इनको पसंद हो। थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया है, अब इसमें हम चीला डालेंगे करीब एक एक कंचन मिला करके। थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, बहुत पतला भी नहीं रहेगा, आप चाहे तो पतला कर सकते हैं, मगर इसमें का जो मीठा चीला है वो थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। इस तरीके से तैयार कर लेंगे ब्रेकफास्ट, बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स गरी ग्रेट करके डालना था मगर मैं भूल गई। अगर इसमें ग्रेट करके सूखी गरी जो आती है उसको ग्रेट करके डाल दीजिए, या फिर आपका कोकोनट पाउडर है तो उसको डाल दीजिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए सौंफ डालने से इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखिए थोड़ा सूजी डालने से एकदम क्रिस्पी बन जाता है। आइए तो थोड़ा सा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए फिर से अच्छे से पकाना है। आइए इसे पलट लेते हैं, इतनी बेहतरीन बन के। बच्चों को ज़रूर से दीजिए ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट कभी कभी, तो इस तरीके से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट है तैयार, मीठा चीला। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई के साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा लाइक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।